अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लैब में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप। रिप इज़ द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डायनामिक राउटिंग। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ राउटिंग, के राउटिंग क्या होती है, और फिर हमने उसके बाद देखा कि व्हाट इज़ राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जो हमारे राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होते हैं, और राउटिंग टेबल्स को राउटर कैसे यूज़ करता है टू फॉरवर्ड द पैकेट, जिसमें हमने देखा राउटिंग टेबल्स के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट नेबर्स, जो भी राउटर के साथ इंटरफेसिस कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपने राउटिंग की हुई है, तो उन इंटरफेसेस की नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आपके पास राउटिंग टेबल में होती है, और राउटिंग टेबल कंटेन्स द नेटवर्क इंफॉर्मेशन विद द सोर्स इंटरफेस। अगर आपने एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे पैकेट सेंड करना है तो आप कौन से इंटरफेस पे पैकेट सेंड करेंगे। तो राउटिंग टेबल्स को हमने डिटेल में देखा, फिर हमने देखा कि राउटर्स जो है फॉरवर्ड करता है पैकेट को, कैसे फॉरवर्ड करता है यूजिंग द राउटिंग टेबल्स। फिर हमने उसके बाद देखा व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट इन पैकेट ट्रेसर। स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि हम राउटिंग को राउट्स को मैन्युअली डिफाइन करते हैं, जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली नेटवर्क को इंटर कन्फिगर करता है इन एवरी राउटर, और अगर उस केस में इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन नेटवर्क और इन टोपोलॉजी, देन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू मैन्युअली कन्फिगर द स्टैटिक राउट अगेन। तो उसमें कुछ भी डायनामिक या ऑटोमेटिक नहीं होता, जो भी काम करना होता है, जो भी राउटिंग करनी होती है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली खुद से कन्फिगर करना पड़ता है। सो वी हैव सीन द मेथड, हमने देखा कि स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्विचेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, स्विचेस को कन्फिगर कैसे कर सकते हैं, उसमें पिंग करके हम रीचेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द लेयर टू डिवाइसेस एंड लेयर थ्री डिवाइसेस, जिसमें हमने देखा था कि लेयर टू डिवाइसेस के अंदर हमारे पास स्विच आता है, जो स्विच है हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, और जो लेयर थ्री डिवाइसेस हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिसमें आपका राउटर आता है, राउटर हमारा आईपी एड्रेस के ऊपर वर्क करता है। हमने इन चीज़ों को देखा, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मैक एड्रेस एंड द आईपी एड्रेस। सो दिस वाज द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जो कि मोस्टली रिलेटेड टू था स्टैटिक राउटिंग। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट डायनेमिक राउटिंग, कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्टैटिक वर्सेस डायनामिक राउटिंग। फिर हम प्रोटोकॉल का रिप वर्जन 1 देखेंगे एंड हाउ रिप वर्क्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप ऑन द राउटर, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिर हम उसकी कमांड्स कौन कौन सी होती है रिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमूव रिप फ्रॉम द राउटर इन पैकेट ट्रेसर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डायनामिक राउटिंग। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टैटिक राउटिंग। अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज़ राउटिंग, राउटिंग होती क्यों क्या है, और वाई वी नीड राउटिंग इन अ राउटर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में राउटर्स जो है वो नेबर्स नेटवर्क को खुद से डिटेक्ट करता है बाई यूजिंग अ प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल की एक एग्जाम्पल रिप है, जिसके भी दो वर्जन है, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। वी एक्चुअली रन दिस प्रोटोकॉल ऑन एवरी राउटर ऑफ अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में जितने भी राउटर है उस पर हम रन करते हैं। रन करने के बाद रिप प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है अपने नेबर्स नेटवर्क को, और डिटेक्ट वो कैसे करता है हम लेटेस्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसकी वर्किंग क्या होती है। तो राउटर्स आपस में बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं राउटिंग टेबल्स की यूजिंग द प्रोटोकॉल, और इवेंचुअली हर राउटर के पास एट दी एंड हर राउटर के पास जितनी भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है, और उस राउटिंग इन्फॉर्मेशन से राउटिंग टेबल डेवलप हो जाता है। सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू मैन्युअली मेंटेन द राउटिंग टेबल एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लैब इन द स्टैटिक राउटिंग।
What is the basic difference, major difference between the static routing and dynamic routing? Obviously, static routing में सब कुछ जो है manual हो रहा है. Network administrator maintains static routing table of the router. उसमें अगर network में कोई change आती है, network address में कोई IP address आप change करते हैं, network change करते हैं, या कुछ device add और remove आप कर रहे हैं, so you need to update, you need to maintain or update the routing table manually. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली ये सारा काम करना पड़ता है. ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क, आपके नेटवर्क लार्ज हो जाते हैं, तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहता जिसमें आप मैनुअली सारा काम करें. और जब भी आप मैनुअली काम करते हैं, देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ ह्यूमन एरर एज वेल. सो वेयर एज इन डायनामिक राउटिंग यू नीड टू रन द प्रोटोकॉल ऑन द राउटर. आप प्रोटोकॉल को रन करेंगे तो प्रोटोकॉल डिटेक्ट्स इट्स नेबर नेटवर्क एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन between the router and maintain routing table accordingly. तो कौन सी information share होती है basically? वो routing tables को share करता है जो आपका protocol है. So this is the basic difference. Static routing में सब कुछ manual करते हैं आप, manually routing को configure करते हैं. आपने commands देखी, IP route dash, आगे आप network लिखते हैं, network के बाद आप subnet mask define करते हैं. Whereas in dynamic routing you define the protocol. आप प्रोटोकॉल डिफाइन कर देंगे तो इट विल रन बाय इटसेल्फ और ये राउटिंग टेबल्स को खुद से ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द रिप वर्जन 1 टुडे. एंड रिप इज अ ट्रू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल डिटरमाइंस द बेस्ट राउट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस. तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस की बेस पर डिटेक्ट करता है. और वो डिस्टेंस क्या, आपका हॉप काउंट होते हैं, नेक्स्ट हॉप काउंट कितने, दैट इज़ द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की बेस पे आपका रेप वर्क करता है. और रेप शेयर क्या करता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, मैंने आपको बार बार बताया कि प्रोटोकॉल शेयर्स द इंफॉर्मेशन. व्हाट इंफॉर्मेशन? बेसिकली रेप शेयर्स द कंप्लीट राउटिंग टेबल टू नेबर इटसेल्फ एवरी 30 सेकेंड. हर 30 सेकेंड के बाद प्रोटोकॉल जो एक राउटर के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उसकी इंफॉर्मेशन उस राउटिंग टेबल के अंदर होती है. तो रिप उस राउटिंग टेबल को अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है एवरी 30 सेकेंड. सो इफ देयर इज़ अ चेंज इन नेटवर्क एट एनी टाइम आफ्टर 30 सेकेंड इट विल बी अपडेटेड. सो रिप 1 यूजेस ओनली क्लास फुल आईपी एड्रेस. ये वर्जन 1 की बात हो रही है. वर्जन 1 के अंदर वी only use classful IP address. What does it mean? Classful IP addresses में जिसमें हमारे पास /8, /16 और /24 के IP addresses होते हैं, that is a classful IP addresses. जिसमें हमने classless IP addresses भी हम use कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे. अभी तक हमने classful IP addresses को ही use किया है. We will discuss in subnetting कि classless IP addresses क्या होते हैं. आप /24 को /25 या /26 या /28 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ क्लासलेस आई पी एड्रेसेस. सो रिप वर्जन 1 ओनली यूजेस द क्लासफुल आई पी एड्रेसेस व्हिच इज /8, /16 और /24 जो कि अभी तक हम अपनी लैब्स में यूज़ करते हुए आए हैं. बट देर इज अदर कैटेगरी क्लासलेस आई पी एड्रेसेस इन विच वी कैन डिवाइड अवर नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. आप /16 को /18 में डिवाइड कर सकते हैं, आप /20 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ द रिप वर्जन 2 जो कि क्लासलेस आईपी एड्रेसेस की फैसिलिटी भी देता है. आप उसको क्लासलेस आईपी एड्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं. तो दैट्स वाई रिप डज नॉट शेयर सबनेट मास्क. बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर /24 का एड्रेस यूज़ किया जा रहा है एक राउटर पे, सो इट इज़ प्री डिफाइंड कि अगर आप रिप वर्जन 1 यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लीट टोपोलॉजी के अंदर /24 के ही आईपी एड्रेसेस यूज़ होंगे. बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट के क्लासफुल आईपी एड्रेसेस आपने यूज़ करने. तो सबनेट मास्क शेयर नहीं करता रेप वर्जन 1, इट ओनली शेयर द नेटवर्क्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस इज 3 राउटर्स, एक राउटर 1 है, राउटर 1 है हमारे पास, फिर राउटर 2 है और देन वी हैव अ राउटर 3. सो इन दिस केस सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राउटर 1 इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद राउटर 3.
अगर हम किसी भी किस्म की राउटिंग नहीं करते तो राउटर वन से हम राउटर थ्री पे पिंग नहीं कर सकते। पिंग नहीं कर सकते का मतलब राउटर थ्री इज़ अनरीचेबल टू द राउटर वन। सो वी नीड टू डिफाइन अ राउट, ठीक है, आप राउटर वन के अंदर राउटिंग करेंगे और राउटर थ्री के अंदर राउटिंग करेंगे। राउटर टू के अंदर राउटिंग इसलिए नहीं करेंगे, राउटर टू इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर वन एंड राउटर टू इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर थ्री। सो हाउ रिप कैन हाउ रिप वर्क इन दिस सिनेरियो, अगर हम राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री तीनों के ऊपर रिप इंस्टॉल करके चला देते हैं। सो राउटर वन के पास इंफॉर्मेशन कौन सी है, इनिशियली राउटर वन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर टू और इसमें जो सा भी नेटवर्क यूज़ किया जाएगा वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर वन के पास है। राउटर टू इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर वन एंड राउटर थ्री। सो राउटर टू के राउटिंग टेबल में हैव इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर वन एंड राउटर थ्री। सिमिलरली राउटर थ्री इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली राउटर टू। तो राउटर थ्री के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है राउटिंग टेबल में इनिशियली इट इज़ ओनली अबाउट राउटर टू। सो वन रिप इज इंस्टॉल्ड ऑन दीज राउटर्स, राउटर वन विल शेयर इट्स राउटिंग टेबल टू राउटर टू। राउटर टू अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा विद राउटर वन एंड राउटर थ्री बिकॉज राउटर वन एंड राउटर थ्री इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे रेप जो है राउटिंग टेबल उनके साथ शेयर करेगा और राउटर थ्री जो शेयर करेगा विद राउटर टू। सो एट द एंड राउटर टू के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी राउटर थ्री की, तो आपका नेटवर्क नंबर टू बनता है और ये आपका नेटवर्क नंबर वन है। तो नेटवर्क नंबर टू की इंफॉर्मेशन राउटर टू ने राउटर वन को सेंड कर दी। सो एट द एंड तीनों राउटर के पास जो ऑल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्योंकि सब राउटर आपस में राउटिंग टेबल्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन में कंप्लीट राउटिंग टेबल आपका शेयर होता है। सो एट द एंड जब राउटर वन के पास राउटर थ्री की इंफॉर्मेशन आ जाएगी थ्रू राउटर टू, तो राउटर वन के अंदर एक राउट डिफाइन हो जाएगा फॉर राउटर थ्री। सो यू कैन रीच फ्रॉम राउटर वन टू द राउटर थ्री। सिमिलरली फॉर राउटर थ्री यू कैन पिंग टू द राउटर वन। सो दिस इज़ हाउ द रिप वर्क। जितने भी हमारे पास राउटर हैं वो राउटर्स के अंदर इनिशियली राउटिंग टेबल्स होते हैं और वो राउटिंग टेबल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस की होती है। तो तीनों राउटर्स आपस में राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे और एट द एंड हर राउटर के पास उस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए राउटर के अंदर राउट्स डिफाइन हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर आपका कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम नेटवर्क चेंज करते हैं या कोई नया एक नेटवर्क चेंज करते हैं, नेटवर्क एड्रेस फॉर एग्जांपल हमने चेंज कर दिया, तो आफ्टर 30 सेकंड इट विल शेयर द इंफॉर्मेशन अगेन। तो 30 सेकंड के बाद जितने भी राउटर्स हैं सब के अंदर आपकी राउटिंग की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द रिप वर्जन वर्क्स। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर रिप ऑन अ राउटर, वी हैव टू रन द रिप ऑन ऑल द राउटर्स इन द टोपोलॉजी। जितने भी राउटर्स हैं उन सब के ऊपर आप रिप रन करेंगे। वी डिफाइन नेटवर्क्स इन नेबर्स। We define a network in the neighbors of router. RIP will share routing table information between all neighbors interface. जैसे हमने previous lab में previous slide में देखा example उसकी command, कुछ commands की इसको भी हम practically भी देखेंगे। For example, we have a three network in our topology 12.0.0, 13.0.0 and 14.0.0. We have three networks in our topology. तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद यू विल राइट दिस कमांड राउटर रिप। जब आप ये राउट करेंगे ये कमांड लिखेंगे तो रिप की कमांड इनेबल हो जाएगी और कॉन्फ़िगर राउटर में आप चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्फ़िगर इफ जो कि एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप कॉन्फ़िगर राउटर में चले जाएंगे एंड यू विल मेंशन ऑल द नेटवर्क्स इन द टोपोलॉजी, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जितने भी नेटवर्क्स उस टोपोलॉजी में एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा राइट कर देंगे
और राइट करने के बाद रिप आपकी टोपोलॉजी में राउटर पर रन करना शुरू कर देगा और इट विल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स और एट द एंड सब राउटर में आपकी राउट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ टू रिमूव द रिप। पैकेट ट्रेसर के अंदर आप कोई भी कमांड रन करते हैं, लेट्स से राउटर रिप इज़ द कमांड, तो उसको रिमूव करना हो तो उससे पहले आप नो लगा देते हैं। नो राउटर रिप मीन्स अगर रिप रन हो रहा है आपके राउटर पे तो उसको वो रिमूव कर दे। नो का मतलब ये होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द थ्योरी और अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल। सो लेट्स एड थ्री राउटर्स। This is router number 1, 2, and 3. सबसे पहले इनके labels को change कर दें। For example, this is router 1. This is router number 2. And this is router number 3. और इन routers को अगर मैं आपस में connect कर दूँ, so now we have a very simple topology. इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। सो राउटर वन से अगर राउटर थ्री पे पिंग करना है हमने, पैकेट सेंड करना है, सो वी हैव टू डिफाइन आर राउटिंग। ठीक है, हमें राउट ये जो सेकेंड नेटवर्क है हमारा, लेट्स लेबल दिस, दिस इज नेटवर्क टू। I don't know space क्यों आ रहा है, चलें दिस इज नेटवर्क टू एंड दिस इज नेटवर्क वन। तो नेटवर्क वन से अगर नेटवर्क टू पे हमने जाना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू डिफाइन दिस नेटवर्क टू इन राउटिंग टेबल ऑफ राउटर वन, और राउटिंग राउटर थ्री में हमें जो राउटर नेटवर्क वन की इंफॉर्मेशन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। प्रीवियसली हमने देखा स्टैटिक राउटिंग के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, बट टुडे वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द डायनामिक राउटिंग एंड यूजिंग द प्रोटोकॉल रेप वर्जन वन। तो सबसे पहले वी नीड टू कन्फिगर द बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ द राउटर, विच इज कि आप आई पी एड्रेसेज असाइन करेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द आई पी एड्रेसेज, सबसे पहले आप इनेबल मोड में जाते हैं, देन वी राइट अ कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड एंड वी हैव टू एक्सेस द इंटरफेस विच इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। और फॉर एग्जांपल हम वहाँ पर आईपी एड्रेस की कमांड के थ्रू दे देते हैं 192.168.0.1 एंड 255.255.255.0। सो हमने राउटर वन का जो ये फास्ट इथरनेट 0/0 को आई पी एड्रेस असाइन कर दिया, साथ ही नो शट डाउन। ओके, तो हमने एक आई पी एड्रेस असाइन कर दिया कमांड्स के थ्रू फास्ट इथरनेट 0/0 पे। और प्रीवियसली मैंने आपको बताया था यू कैन डू इट फ्रॉम द कॉन्फ़िग टैब एज वेल। अब अगर हम कॉन्फ़िग टैब में आएँ और मिडल वाले राउटर में फास्ट इथरनेट 0/0 उसके ऊपर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो आप राउटर टू में जाने के बाद कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे और फास्ट इथरनेट 0/0 में जाएंगे एंड यू विल राइट एन आई पी एड्रेस 192.168.0.2। 0.2 हमने फास्ट इथरनेट 0/0 पे राउटर वन पे दिया था और राउटर टू पे हमने 0.2 दे दिया। और साथ ही आप ऑन पे क्लिक करेंगे तो नो शट डाउन कमांड भी रन हो जाएगी। तो आपने देखा कि नाउ द इंटरफेस हैज़ बीन इनेबल्ड। सो द अदर साइड वी नीड टू साइन ऑन द फास्ट इथरनेट 0/1, उसमें हम लिखेंगे 192.168.1.1। वी हैव टू यूज़ अ डिफरेंट नेटवर्क। टैप प्रेस करेंगे, सबनेट मास्क पैक हो जाएगा एंड यू विल राइट अ नो शट डाउन। ऑन करेंगे तो नो शट डाउन कमांड आप देख सकते हैं
नो शटडाउन कमांड रन हो रही है। सो वी गो टू द राउटर थ्री, और राउटर थ्री में आप कन्फिग में जाएंगे, और आई होप सो इट इज़ फास्ट इथरनेट 0/0। यस, फास्ट इथरनेट 0/0 में जाने के बाद 192.168.1.2 और नो शटडाउन। सो नाउ द बेसिक कन्फिग्रेशन इज़ कम्प्लीट, और आप देख सकते हैं कि इंटरफेसेस ग्रीन हैं और इंटरफेसेस इनेबल हो चुके हैं। सो नाउ वी विल रन द रिप। अब रिप प्रोटोकॉल कैसे रन करेंगे कि विल गो टू द राउटर वन, CLI में जाने के बाद यू विल गो टू द कन्फिगर टर्मिनल मोड। अभी कन्फिगर इफ में है तो आप एग्जिट करेंगे, तो नाउ कन्फिगर टर्मिनल मोड में हम आ चुके हैं। सो द टू रन अ रिप वी विल राइट अ राउटर रिप, दिस इज द कमांड। और जब भी आप राउटर रिप में जाएंगे, सो यू हैव टू चेक, यू हैव टू मेक श्योर डैट वी आर इन द कन्फिगर राउटर कमांड। अब हम कन्फिगर राउटर मोड में आ गए। सो हेयर यू नीड टू मैंशन ऑल द नेटवर्क इन द टोपोलॉजी। सो वी हैव टू नेटवर्क, नेटवर्क वन हमारे पास जो है वो है नेटवर्क 192.168.0.0। दिस इज अवर नेटवर्क वन, और नेटवर्क टू के लिए वी विल राइट 1.0। वी विल प्रेस द एग्जिट एंड देन एग्जिट। और इनिशियली अगर हम चेक करना चाहें शो आईपी राउट कि आपके पास इस टाइम पे राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं 192.168.0.0 जो कि नेटवर्क वन है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, सिर्फ एक राउट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इनिशियली। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बाकी राउटर पर रिप रन नहीं किया तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही। इनिशियली वी हैव ओनली दिस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो कि नेटवर्क वन की है, राउटर वन के पास। नाउ वी विल मूव टू द राउटर टू, गो टू द CLI कमांड, और वी हैव टू शिफ्ट टू द कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड, और यहाँ पर आप जाके लिखेंगे राउटर रिप। सो अगेन वी आर इन द राउट कॉन्फ़िगर राउटर टैब, एंड वी नीड टू डिफाइन ऑल द नेटवर्क्स। वी हैव टू नेटवर्क्स राइट नाउ, 192.168.0.0 एंड द सेकेंड वन इज 1.0। एग्जिट, अगेन एग्जिट, वेरीफाई द राउटिंग टेबल यूजिंग द शो आईपी राउट। हम देख सकते हैं कि राउटर टू इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर वन एंड राउटर थ्री। तो हमने देखा कि वी हैव द टू एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल, 192.168.0.0 is directly connected and 1.0 is also directly connected through the interface fast ethernet 0/0 and 0/1। तो जितने भी directly connected होते हैं उसकी information आपके पास होती है। So now moving to the third router, similar command we need to run over here, configure terminal mode में जाना है and राउटर रिप रन करेंगे तो कन्फिग राउटर में आप आ जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, वी नीड टू डिफाइन ऑल द नेटवर्क्स इन द टोपोलॉजी। तो दो नेटवर्क्स हैं, दोनों डिफाइन कर दिए, एग्जिट एग्जिट। सो नाउ मूविंग टू द राउटर वन अगेन, और शो आईपी राउट आपने रन किया, तो दिस टाइम वी हैव टू एंट्रीज 192.168.1.0। ये हम राउटर वन की बात कर रहे हैं, तो 1.0 हमारा नेटवर्क टू था और उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन आपके पास हो चुकी है। और आपको यहाँ पर जो आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऊपर, आपको बता रहे हैं आर इज विद रिप, कि रिप के थ्रू ये वाला जो सेकंड राउट है इंस्टॉल किया गया। जो सी है, सी स्टैंड फॉर connected, directly connected basically. The first entry was through the directly connection and the second entry is installed through the RIP, और उसको R के साथ mention भी किया गया। Second router में verify करें, इसमें किसी किस्म की route installation की requirement नहीं थी। Reason is
कि राउटर टू इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राउटर वन एंड राउटर थ्री. गो व्हेन वी गो टू द राउटर नंबर थ्री एंड वी राइट शो आईपी राउट अगेन वी सॉ अनदर नेटवर्क 192.168.0/0 विच इज़ द नेटवर्क वन एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड थ्रू आर. आर इज़ अ रिप. So this is the method to install the RIP. So let's check the connectivity between router 1 and router 3. So how to check the connectivity? We write the ping command and we have to write the IP address of an interface 192.168.1.2. This was the IP address of router 3 interface fast ethernet 0/0. हमने देखा पिंग इज सक्सेसफुल. फर्स्ट टाइम एक पैकेट लॉस होता है, सेकंड टाइम वी हैव सीन द सक्सेस रेट इज 100%. सो वी हैव सक्सेसफुली रन द रिप वर्जन 1 ऑन टू द राउटर. हमने राउटर रिप जैसे ही इंस्टॉल किया तो उस रिप ने ऑल राउटिंग टेबल्स, जितनी भी राउटिंग टेबल्स की इंफॉर्मेशन थी, आपस में एक्सचेंज की और एट द एंड वी हैव सीन कि राउटर 1 और राउटर 3 के अंदर रिप के थ्रू routes install ho chuke hain and there is a successful ping between the router 1 and router 3. So you have to complete this task aur ye task complete karne ke baad aap kya karenge. You will aap is tarah se router ko thoda sa change karenge. Change karne ke baad you have to connect these two. ठीक है. सो दिस विल बी योर न्यू टोपोलॉजी. पहले आप टास्क नंबर 1 कंप्लीट करेंगे जो मैंने किया, उसके बाद यू हैव टू कनेक्ट दिस एज वेल और आप दोबारा से रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर एंड यू विल शो मी इन द अपकमिंग ऑनलाइन सेशन. सबके पास सिस्टम रेडी होने चाहिए और ये वाला जो इंटरफेस आपको टोपोलॉजी नज़र आ रही है, इसके अंदर सक्सेसफुल पिंग होना चाहिए बिटवीन ऑल द इंटरफेसेस. ठीक है, और सारे राउट्स जो आपके पास इंस्टॉल नज़र आने चाहिए.